पंचमी के अवसर पर बनखेड़ी में रंग पंचमी का त्योहार बड़े ही हर्ष उल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बनखेड़ी के 110 चौराहे पर बनखेड़ी के युवा मित्र मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया तथा इसके बाद सभी युवाओं द्वारा नगर के बड़े गलियारों में भव्य जुलूस भी निकाला गया। उपस्थित युवाओं ने एक दूसरे को बधाई दी, साथ ही भाईचारे से रहने का संदेश भी युवाओं द्वारा दिया गया। वहीं त्योहार को देखते हुए बनखेड़ी पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संजय वैष्णव और आप देख सकते हैं युवाओं का हुजूम और ये उल्लास, ये उमंग रंग पंचमी की है। बनखेड़ी के राम रहीम चौराहे में इस वक्त हम खड़े हैं, युवाओं की टोली है और साथ में हमारे साथ है बनखेड़ी के युवा मित्र मंडल के साथी, जिन्होंने आज रंग पंचमी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी, भैया कलर मत उड़ाना एक मिनट जरा ना, युवा मित्र मंडल बनखेड़ी के हैं, युवा हैं जिनको, जिन्होंने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बनखेड़ी के 110 चौराहे पर मित्र मिलन और साथ ही होली मिलन का ये पर्व मनाया। उसके बाद आज ये जुलूस, ये युवाओं की टोली बच्चों के साथ राम रहीम चौराहे पर, तमाम जो युवा साथी वो आ चुके हैं और आप सभी को रंगपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करेंगे युवा साथियों से। हमारे साथ युवा मित्र मंडल के आकाश पांडे हैं। आकाश भाई, आपका स्वागत है एनबी टीवी में। बहुत नमस्कार। कितने वर्षों से आप ये होली मिलन समारोह मना रहे हैं और कैसा आपको लगता है? तकरीबन 8 वर्ष हो गए हमको ये कार्यक्रम मनाते हुए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है, हर्षोल्लास होता है, सभी युवा मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। क्या बात है जी। अच्छा, कितने युवा आपके साथ ये त्यौहार में शरीक होते हैं? बनखेड़ी के समस्त युवा, जितने भी युवा श्रेणी में आते हैं लोग, सभी भाई लोग हैं, सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, इसमें कोई सीमा नहीं है कि इसको नहीं पता चला तो ये नहीं आ पाया, जिसको भी पता चलता है वो ये रंगपंचमी के कार्यक्रम में जरूर शामिल। क्या उद्देश्य आपका ये होली मिलन समारोह आयोजित करना और उसके बाद जुलूस निकालना, रंगपंचमी का त्योहार मनाना, इसके पीछे? रंगपंचमी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सभी भाई लोगों में, जो हमारा ये एकता का त्योहार है, एकता बनी रहे और प्रेम स्थापित रहे, जैसा कि ये बनखेड़ी में पहले से चला आ रहा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं तमाम जो युवा साथी हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, यारों से मिल रहे हैं और हम इसकी समरसता का ये होली मिलन समारोह के रूप में रंग पंचमी के दिन होली के इस महापर्व में इस बनखेड़ी के लगभग 400-500 युवा, इस बनखेड़ी ही नहीं आसपास के गांव के युवा भी इसमें शरीक होते हैं और इसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, युवाओं के द्वारा इतने बड़े रूप में इस बनखेड़ी में सब लोगों को एक दूसरे को गले लगाना, गुलाल लगाना और बनखेड़ी के मुख्य मार्गों से पूरे भाव के साथ सराबोर होकर सभी रोडों से निकलते हुए बैंड बाजों के साथ नृत्य करते हुए बच्चों का ये मनमोहक दृश्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के साथ मिलकर पूरे भाव मनोभाव के साथ होली खेलना हमारी बनखेड़ी के लिए बहुत गौरवमयी परंपरा के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। मैं तो समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अच्छे मिलकर होली मनाएं और सब अच्छे सूखे रंग से खेलें और पानी की बर्बादी ना करें और अच्छे मिलजुल कर सभी अच्छे से होली मनाएं और गौ माता की जय। मैं हिस्सा ले, हमारा यही उद्देश्य रहता है कि कोई भी युवा किसी भी कार्यक्रम में पीछा ना रहे और एकता का परिचय दे और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो परस्पर आगे बढ़ती चली जाए। चलो भैया, उड़ंदो गुलार और बजंदो बाजे, रंग पंचमी का ये त्योहार। आपको इस त्यौहार के माध्यम से, इस युवा मित्र मंडल के साथियों के साथ मैं आपको संदेश देना चाहूँगा कि होली है आपका त्यौहार, है आपके पर्व, है सनातन धर्म के ये त्यौहार, हम हर वर्ष इसी तरह से मना सकें और सूखी होली यहाँ पर खेल रहे हैं और आपको मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप भी सूखी होली खेलें, पानी का दुरुपयोग ना करें, साथ ही त्यौहार ज़रूर खेलें। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो घरों में घुसे रहते हैं, त्यौहार में बाहर नहीं आते, अपनों के साथ खेलते नहीं है। जो भी त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, अपनों के साथ मनाइए, दोस्तों के साथ मनाइए, त्यौहार हमारे लिए हैं, हम सभी को अपनों के साथ मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाना है, आनंद उठाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय वैष्णव।